सो गाइस T20 वर्ल्ड कप 2021 पे ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको बताने वाला हूँ T20 वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग डेट, वेन्यू कहाँ पे खेला जाएगा, किस हिसाब से फॉर्मेट रहने वाला है एंड कितने मैचेस की शेड्यूल रहने वाली है, सभी यहाँ पे इस पे फाइनल अपडेट आ चुका है, वही मैं आपको जो बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कल ही ESPN क्रिक इन्फो पे आर्टिकल छपी थी और यहाँ पे दोस्तों T20 वर्ल्ड कप पे जिस जो जो भी अपडेट्स आए थे वो यहाँ पे उस आर्टिकल पे शो हुए थे। उस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ उस आर्टिकल में क्या क्या अपडेट्स निकल के आई थी। यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे डेट्स के बारे में बताया गया था। यहाँ पे उस आर्टिकल में ये लिखा था कि जो T20 वर्ल्ड कप 2021 है वो यहाँ पे 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा एंड फाइनल मैच है वो यहाँ पे 14 नवंबर को खेला जाएगा, यानी कि 17 नवंबर से लेके 14 नवंबर के बीच तक यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं वेन्यू के बारे में, आखिर कौन से स्टेडियम्स में यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, या फिर भारत में खेला जाएगा या फिर UAE में खेला जाएगा। दोस्तों इस पे भी अपडेट आ चुकी है, वो ये अपडेट निकल के आई है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ T20 वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे UAE एंड ओमन में खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दो राउंड्स में T20 वर्ल्ड कप होते हैं। जो पहला राउंड होता है वो यहाँ पे क्वालिफायर राउंड होता है एंड जो सेकेंड राउंड होता है वो यहाँ पे सुपर 12 के मैचेस होते हैं, जिसमें आपके बड़े बड़े टीम जैसे कि इंडिया हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, ऐसे बड़े बड़े टीम सुपर 12 में होते हैं। जो पहले राउंड में होते हैं उसमें छोटी छोटी टीम होते हैं जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड है वो यहाँ पे खेला जाएगा 17 अक्टूबर से एंड 17 अक्टूबर से जो क्वालिफायर राउंड है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा एंड टोटल 8 टीम पार्टिसिपेट की है एंड उस 8 टीम में से टोटल 2 टीम्स क्वालिफाई करेगी सुपर 12 के लिए, यानी कि 10 टीम है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। अभी भी 2 टीम्स की जरूरत है, यहाँ पे 2 टीम से 8 टीम्स में निकल के आएगी। अब वो 8 टीम्स के भी नाम आ चुके हैं, मैं आपको बता दूं, वो है बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमन, पापुआ न्यू गिनिया। दोस्तों ये है टोटल 8 टीम्स एंड ये जो 8 टीम है वो यहाँ पे 2 ग्रुप में बढ़ जाएगी एंड एक ग्रुप में टोटल 4 टीम रहने वाली है। जो पहले ग्रुप की जो टॉप की टीम होगी जो रैंक 1 पे होगी एंड जो सेकंड टीम की जो रैंक 1 पे टीम होगी वो 2 टीम यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगी एंड यही 2 टीम यहाँ पे सुपर 12 में इंक्लूड हो जाएगी। फिर यहाँ पे सुपर 12 के मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप यहाँ पे आप फर्स्ट राउंड समझ गए होंगे एंड जो सेकंड राउंड है वो यहाँ पे दोस्तों 24 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, यानी कि जो मेन T20 वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे 24 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा एंड जो सुपर 12 के जितने भी मैचेस है उसमें टोटल 30 मैचेस खेले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, टोटल 30 मैचेस होने वाले। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेडियम्स की बात करते हैं कि जो सुपर 12 के मैचेस है वो यहाँ पे आखिर कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे टोटल 3 स्टेडियम सिलेक्ट किए गए एंड जो तीनों स्टेडियम वो यहाँ पे UAE के, अब आप समझ ही होंगे, वो है दुबई, अबू धाबी एंड शारजा। ये 3 स्टेडियम्स में T20 वर्ल्ड कप के जो सुपर 12 के मैचेस है वो यहाँ पे खेले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में, आखिर सुपर 12 के जितने भी मैचेस है किस हिसाब से होने वाले हैं। इसमें आपको बता दूं जो 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसी हिसाब से होने वाला है। 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा, एक ग्रुप में 6 टीम्स रहने वाली, जो दूसरे टीम में उसमें भी 6 टीम्स रहने वाली हैं। जो दोनों ही ग्रुप्स के जो 2 टीम्स हो गए टॉप वो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे एंड यहाँ पे सेमीफाइनल खेला जाएगा और फाइनल मैच खेला जाएगा, यानी कि जो प्ले ऑफ के मैचेस, टोटल 3 प्ले ऑफ के मैचेस खेले जाएंगे, 2 सेमीफाइनल के मैच एंड यहाँ पे 1 फाइनल का मैच होने वाला है। सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मेट रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, आप कितना एक्साइटेड हो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस पर अभी भी BCCI ने ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे लगभग यहाँ पे हम 90% सच मान सकते, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों BCCI के पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ पे BCCI सोच रहा था कि इंडिया में कराएंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिया में कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। BCCI सोच रही है कि यहाँ पे UAE में कराना सही होगा एंड यहाँ पे लगभग कंफर्म भी हम समझ सकते हैं कि UAE में हमें T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगा। सो गाइस फिलहाल इतना ही, वीडियो आपको लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।